नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी मुझे अर्शी खान ने भेजी है। अब मैं आप सभी को कहानी अर्शी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो दोस्तों, हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं। आज की कहानी में आप सभी को 3 कोड सुनाए जाएंगे और इन 3 कोड को जो मेरे इंस्टाग्राम पर सबसे पहले मुझे भेजेगा उसे 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का पेटीएम कैश मिलेगा। तो दोस्तों, कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम अर्शी है, मेरी उम्र 26 साल है। मैं जो अब आप सभी को कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी मैंने अनुराग जी को लगभग 15 दिनों में थोड़ी थोड़ी करके सुनाई है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मैं ऑफिस में काम करती हूँ और रात में ही 1-2 घंटा मुझे खाली टाइम मिलता है और मैं जल्दी से सो जाती हूँ। और उसी वक्त जब मैं रात में खाली रहती हूँ, तभी मैंने अनुराग जी से कॉल पर बात करके उनको यह कहानी सुनाई थी। मैं उनसे 15 दिनों तक लगातार बात करती थी और थोड़ा थोड़ा उन्हें अपनी आप बीती के बारे में बताया करती थी। अनुराग जी भी मेरी कहानी सुनकर काफ़ी डर गए थे और मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था जब मैं यह कहानी अनुराग जी को सुना रही थी। तो चलिए अब सीधा कहानी पर आते हैं। यह बात तब की है जब मैं बीटेक के 2nd ईयर में थी। तब मैं और मेरी फ्रेंड ने गोवा जाने का प्लान बनाया था। हम दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि हम पहली बार गोवा जा रहे थे। मैं आप सभी को यह नहीं बता सकती कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, क्योंकि यह थोड़ी पर्सनल बात है। जिस दिन हम गोवा के लिए निकले, उस वक्त हम दोनों काफ़ी खुश थे। हम गोवा फ्लाइट से गए थे। गोवा पहुँचते ही हमने होटल ना लेकर एक हॉस्टल बुक किया था 3 दिनों के लिए। हम गोवा ऑफ सीज़न में गए थे, जब ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है। जब हम उस हॉस्टल में पहुँचे, तब एक हॉस्टल स्टाफ बॉय ने हमको हमारा रूम दिखाया, जहाँ पर एक ही रूम में काफ़ी सारे बेड थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वह एक हॉस्टल था जहाँ पर एक ही रूम में लगभग 6 से 7 लोग रहते थे। पर जब हम दोनों उस रूम में गए तो वहाँ हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं रहने नहीं आया हुआ था, क्योंकि ऑफ सीज़न था। जिस हॉस्टल में हम रुके थे, उस हॉस्टल में ज़्यादातर फॉरनर्स और रसिया से लोग आया करते थे। हॉस्टल में रुकना सब इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि हॉस्टल का दाम होटलों से काफ़ी कम रहता था। हमने गोवा में खूब मौज मस्ती की। हम दोनों लोग गोवा में सिर्फ 3 दिन ही रुकने वाले थे और 4th दिन ही सुबह की फ़्लाइट से वापस अपने घर जाना था। 2 दिन गोवा में हमारे बहुत ही अच्छे गुजरे। हमने खूब मौज मस्ती की। फिर 3rd दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे हम आज भी याद करते हैं तो हम दोनों दोस्तों की रूह कांप जाती है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमारे साथ यह हुआ क्या और हमने यह क्या देख लिया। गोवा में 3rd दिन की सुबह हम अपने हॉस्टल से बाहर निकल गए। आज का हमारा प्लान था कि हम बीच पर जाकर वहीं सुबह से लेकर रात तक वक्त बिताएंगे। जब हम अपने हॉस्टल से निकले और पैदल पैदल मेन रोड तक हम बाहर की तरफ जा ही रहे थे, तो हम दोनों दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एक लड़का हमारा पीछा कर रहा था। फिर हमने गोवा का एक लोकल रिक्शा रुकवाया और उसमें बैठ गए। तभी अचानक से वह लड़का भी आकर हमारे साथ बैठ गया। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। फिर जब हम दोनों बीच पर पहुंच गए तो वह लड़का भी हमारे साथ उसी बीच पर आकर रुक गया और हमारे साथ पीछे पीछे आने लगा। मेरी दोस्त कहती है, उसे इग्नोर कर दो, अब हम अपना काम करते हैं, इन्जॉय करते हैं और मज़े करते हैं। फिर हम दोनों दोस्त बीच पर जाकर नहाने लगे। वह लड़का हमसे 100 कदम की दूरी पर था और वह बार बार हमें ही घूरे जा रहा था, पर इस बार हमने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरे पेट में दर्द हो रहा था, वह भी बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैं पानी से बाहर आकर पास में ही रखी बेंच पर आकर बैठ गई।
मेरी फ्रेंड मुझसे बोलती है, क्या हो गया तुमको? मैं बोलती हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तभी मेरी नज़र उस लड़के पर फिर से जाती है और वह लड़का अभी भी मुझे और मेरी दोस्त को घूरे जा रहा था। तभी मेरी दोस्त कहती है, रुक मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ, तब तुझे थोड़ा अच्छा फील होगा। जब मेरी फ्रेंड कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, तब मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। दोपहर हो चुकी थी, शाम होने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे। फिर हम दोनों कुछ खाने पीने लगे। वहीं बीच पर एक स्टॉल लगा हुआ था खाने का। हम दोनों लोग वहाँ गए, वहाँ रखी बेंच पर आकर बैठ गए। तो हम देखते हैं कि जो लड़का हमारा पीछा कर रहा था और जो हमें तब से घूरे जा रहा था, वही लड़का हमसे आकर खाने के लिए ऑर्डर लेने आता है और हमारे पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, क्या खाएंगे आप लोग? हम उसे देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। पर वह फिर से बोलता है, अरे कुछ बोलिए तो सही, जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं तो मैं आपके लिए खाने के लिए कैसे लाऊंगा? मेरी फ्रेंड उससे बोलती है, आप इस स्टॉल पर काम करते हो क्या? वह बोलता है, हाँ करता हूँ। फिर मेरी फ्रेंड बोलती है, अच्छा तभी आप हमारे साथ साथ आ रहे थे पूरे रास्ते, हमें लगा कि आप हमारा पीछा कर रहे हो। तो लड़का बोलता है, हाँ सही कहा आपने, मैं तुम्हारा पीछा ही कर रहा था। तो मैं बोलती हूँ, पीछा करना मतलब? आपको तो यहाँ आना था ना, इसलिए तो आप हमारे साथ साथ आ रहे थे। वह बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमें कुछ समझ में नहीं आया। तभी मेरी फ्रेंड बोलती है, यार हम बाद में खाते हैं कुछ, अभी फिर से चलते हैं पानी की तरफ, एक दो घंटा और नहाते हैं, फिर आकर खाकर वापस हॉस्टल चलेंगे। फिर हम दोनों लोग वापस पानी की तरफ चल दिए और नहाने लगे। दिन भी अब ढलने लगा था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था नहाते नहाते। और अब वह लड़का कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उस दुकान पर भी। शाम के 7 बज गए थे। अब हम दोनों उस दुकान पर गए और बेंच पर आकर बैठ गए। जब हम उस स्टॉल पर जाकर देखते हैं तो उस स्टॉल पर भी कोई नहीं रहता, यहाँ तक कि उनके काउंटर पर भी, और साथ में वहाँ पर भी कोई नहीं था जहाँ पर वो लोग अपना खाना बनाते हैं। पर जैसे ही हम बेंच पर आकर बैठे, तभी अचानक से ना जाने कहाँ से वही लड़का वापस आ जाता है और हमसे बोलता है, क्या खाएंगे आप दोनों? हम उससे बोलते हैं, 2 प्लेट चिली पनीर और कोल्ड ड्रिंक ले आओ। वह बोलता है, 10 मिनट इंतज़ार कीजिए, आपका ऑर्डर जल्द ही आता है। हम दोनों दोस्त इंतज़ार करने लगे। 10 मिनट कब के बीत चुके थे। फिर हमने थोड़ा और इंतज़ार किया, पर अब भी कोई हमारा ऑर्डर लेकर नहीं आ रहा था। तब मेरी फ्रेंड उस स्टॉल पर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं रहता है और ना ही कोई हमारा खाना बना भी रहा होता है। तब हम उस लड़के को ढूंढने लग जाते हैं, पर वह लड़का कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब हमको लगभग 1 घंटा होने वाला था उस हॉस्टल पर बैठे बैठे। फिर हमने सोचा, अब वापस हॉस्टल चलना चाहिए, हॉस्टल जाकर वहीं कुछ खा लेंगे और जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह हमारी फ़्लाइट भी थी वापस घर जाने की। फिर हम दोनों दोस्त पूरे बीच का एक राउंड लगाकर आते हैं और वापस रोड की तरफ चल पड़ते हैं। अंधेरा हो चुका था, टाइम लगभग 9:15 हो रहे थे। आसपास ज़्यादा लोग नहीं थे, गिनती के 2-4 लोग ही थे और वह भी हमसे काफ़ी दूर में थे। मैं आप सभी को बता दूं कि उस वक्त बीच पर काफ़ी अंधेरा था, बीच पर लगी लाइट नहीं जल रही थी। जैसे ही हम रोड से थोड़ी दूर पर ही थे, तभी मेरी फ्रेंड का पैर जमीन पर कुछ पड़े चीज़ से टकरा जाता है और वह धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिर पड़ती है। मैं अपनी दोस्त को उठाती हूँ। तभी मैं अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके देखती हूँ कि आखिर ज़मीन पर क्या है जिससे मेरी फ्रेंड टकरा कर नीचे गिर गई। जैसे ही मैं फ़ोन की फ्लैश लाइट उस पर करती हूँ, तभी मेरी और मेरी फ्रेंड की रूह कांप जाती है क्योंकि ज़मीन का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही भयानक था। क्योंकि ज़मीन पर वही लड़का बेहोश पड़ा था या फिर मर चुका था जो हमें हॉस्टल से लेकर 20 तक पीछा करते हुए आया था। यहाँ तक कि यह वही लड़का था जो हमसे उस हॉस्टल पर खाने के लिए ऑर्डर लेने आया था, पर अब वह हमारी आंखों के सामने ज़मीन पर पड़ा हुआ था। यह नज़ारा देखकर हम दोनों लोग डर गए और फौरन वहाँ से भाग गए। हम दोनों दोस्त सोच में पड़ गए कि आखिर उस लड़के को हुआ क्या है, उसे किसी ने मार दिया है या फिर वह कोई छलावा था। इसी सोच में हम दोनों दोस्त पड़े रहे। हॉस्टल पहुंचकर जब हम रिक्शे से उतरे तो हम दोनों लोग अपने हॉस्टल की तरफ चलने लगे। तभी मैं ऐसे ही पीछे पलटकर देखती हूँ तो वही लड़का हमारे पीछे आ रहा था,
यह देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं अपनी दोस्त का जोर से हाथ पकड़ती हूँ और कहती हूँ कि पीछे मुड़कर मत देखो, पीछे वही लड़का आ रहा है जो हमें उस बीच पर मरा हुआ मिला था। हम दोनों लोग अब अपने हॉस्टल में आ गए थे। मैं और मेरी फ्रेंड ने खाना भी नहीं खाया था और ना हम दोनों से खाना खाया भी जाता। आज का पहला कोड है अनुराग। यह सब जो हमारे साथ हुआ था, हम पूरी रात सो भी नहीं पाए, बस इसी ख्यालों में खोए रहे कि आखिर यह सब जो हमारे साथ हुआ यह क्या था। दोस्तों, मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, जो कोई भी मेरी कहानी सुन रहा है, क्या आपको पता है यह जो हमारे साथ हुआ, हम दोनों दोस्तों के साथ, आखिर यह क्या हो सकता है? क्या वह छलावा था या फिर कोई और चीज़ है? फिर अगले दिन हम एयरपोर्ट पहुँचे और हम सीधा अपने घर पहुँच गए। मेरी दोस्त अपने घर पहुँच चुकी थी और मैं अपने घर आ चुकी थी। घर पहुँचकर सभी लोग मुझे देखकर खुश हो रहे थे और मेरे से पूछ रहे थे कैसा लगा गोवा। खास करके मेरे छोटे भाई को ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझसे पूछने में। पर मैं बिल्कुल भी किसी को कुछ बताने के मूड में नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर कल रात का खौफ भरा पड़ा था। मैं बार बार बस उसी के बारे में सोचे जा रही थी। मैं अपने मम्मी पापा और अपने भाई का बस हर सवाल का जवाब बढ़िया बढ़िया कहकर बोल रही थी। और मैंने सबसे कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है, और मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। और कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने ना तो हाथ पैर धोए थे और ना ही अपने कपड़े बदले थे। मैं जैसे ही एयरपोर्ट से आई और आते ही सो गई। जिस वक्त मैं सो रही थी, मुझे मेरे सपने में वही लड़का बार बार दिखाई दे रहा था। मुझे सपने में दिखाई पड़ता कि वह लड़का अभी इसी वक्त मेरे बेड पर मेरे बराबर में ही लेटा हुआ है और वह जोर जोर से हंस रहा है। इतना सब कुछ सपने में देखने के साथ ही मेरी एकदम से आँख खुल जाती है और मैं जोर जोर से सांसें लेने लग जाती हूँ। और आसपास देखती हूँ तो वह लड़का कहीं नहीं दिखाई देता। फिर मेरी जान में जान आती है और मैं सोचती हूँ, अच्छा यह बस एक सपना था। ऐसा मेरे साथ हर रोज होने लगा। वह लड़का मेरे सपने में रोज दिखाई देने लगा। सपने में मुझे बस हमेशा यही दिखाई देता था कि वह मेरे साथ ही मेरे बगल में लेटा है और जोर जोर से हंस रहा है। फिर मैंने एक दिन अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया जो मेरे साथ ही गोवा गई थी। उसको मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया जो मेरे साथ कई दिनों से हो रहा था। और मैंने उससे भी पूछा कि क्या उसके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है या फिर नहीं। पहले तो वह मेरी बात सुनकर चौंक गई और उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, पर वह कहती है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जब से वह गोवा से आई है वह नॉर्मल है। पर मेरी दोस्त कहती है, अगर तेरे साथ ऐसा कुछ हो भी रहा है तो भगवान जी का नाम ले रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। मेरी दोस्त ने यह भी कहा कि रात में सोने से पहले तू एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर सोया कर और सुबह सिर्फ भगवान जी को याद किया कर, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरी दोस्त के कहे अनुसार मैंने वैसे ही किया। सोने से पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़कर ही सोया करती थी और सुबह उठने के बाद भोले जी का नाम लेती थी। दोस्तों, इस दुनिया में बुरी शक्ति को अगर कोई मिटा सकता है तो वो है देवों के देव महादेव। उनको अपने मन में मानिए और उनकी पूरी शिद्दत से पूजा कीजिए। अगर आप में से भी किसी को बुरे सपने रात के वक्त आते हैं या फिर अजीबोगरीब ख्याल भी आते हैं, तो आप रोज़ रात में सोने से पहले ज़रूर हनुमान चालीसा पढ़कर ही सोया करें और सुबह उठने के बाद महाकाल का नाम ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कहानी को यहाँ तक सुन चुके हैं तो अभी के अभी कमेंट में जय महाकाल कमेंट कीजिए, फिर उसके बाद कहानी को कंटिन्यू करिए। तो दोस्तों, प्लीज़ जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय महाकाल लिखिए। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। काली रात थी, पीकू एक अनजानी राह पर चल रही थी। उसे घर आने में देर हो गई थी, इसलिए उसे डर लग रहा था। वैसे भी जिस रास्ते पर वह चल रही थी वो बहुत ही डरावना था। उसने बचपन से ही ना जाने कितनी डरावनी कहानियां उस रास्ते में मिलने वाली चुड़ैल के बारे में सुनी थी। उसकी माँ व उसके दोस्त कहते थे कि गांव के बाहर के पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। जो कोई भी उस पेड़ के पास से अमावस्या की रात को निकलता है, वह
आज तक जिंदा नहीं बच पाया है। लेकिन आज उसकी बदकिस्मती थी। देखो, गाड़ी ना मिलने की वजह से और उसके भैया के फोन ना उठाने की वजह से उसे अकेले गांव आना पड़ रहा था। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा आभास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। वह घर से बाहर रात को कभी अकेली भी नहीं गई थी। अब वह गांव से मात्र 200 मीटर की दूरी पर थी। वो विशाल पीपल का पेड़ उसे साफ दिखाई दे रहा था। उसकी टहनियां गांव के कच्चे रास्ते तक पहुंची हुई थी। उसने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया और जल्दी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। लेकिन वह चाहकर भी तेज नहीं चल पा रही थी। उसके कदम मानो कीचड़ में धस गए थे। वह जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंची, अचानक किसी की भयानक हंसी की आवाज सुनाई दी। पीकू के डर के मारे चीख निकल गई। उसने भागना चाहा, लेकिन उसके पैर सुन पड़ चुके थे। वह डर के मारे नीचे गिर गई। अचानक उसके पीछे पीपल के पत्तों की सरसराहट हुई। उसने रेंग कर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पाँव ने काम करना बंद कर दिया। अचानक उसके पीछे एक भयानक आवाज की गर्जना हुई। पीकू डर के मारे थर थर कांपने लगी। पसीने से तरबतर शरीर, आंखों में एक अजीब सा मौत का डर पीकू को मरने से पहले का आभास करवा रहा था। वो तो अब भगवान भरोसे ही थी। अचानक पीपल के पत्तों की सरसराहट में एक डरावनी हंसी की आवाज उसे अंदर तक हिला रही थी। पीकू ने अपने आंखें बंद करनी चाही, लेकिन क्या आंख बंद कर लेने से डर का साया दूर हो जाता है? शायद नहीं। उस भयंकर साये की सांसों की आवाज उसके कानों में पहुंचकर उसे और भी डरावना एहसास करवा रही थी। वो जिंदा थी, लेकिन मरे समान अचानक वो आवाज उसके बेहद नजदीक आ गई। एकाएक जैसे किसी की गर्दन के टूटने की आवाज आई। पीकू ने पीछे की तरफ देखा तो डर के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लंबे दांत, बिखरे बाल और उल्टे पांव का कोई भयंकर साया उसके चेहरे पर खून के धब्बे लगे हुए थे। जगह जगह चोट के निशान। पीकू के ना चाहने के बावजूद भी उसे देखना पड़ रहा था। पीकू ने हकलाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा? तुम सब गांव वालों ने मुझे इस पीपल के पेड़ पर लटका दिया था। क्या कसूर था मेरा? मैं तो अपने प्रेमी से प्यार करती थी, लेकिन जात पात की वजह से मुझे और मेरे प्रेमी को तबाह कर दिया तुम सबने। पर तब तो मैं नहीं थी। कुछ नहीं, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। यह कहते हुए वो चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगी। पीकू ने भागना चाहा, लेकिन उसके पांव उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह नीचे गिर गई। वो चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज उसे विचलित कर रही थी। एक काला भयानक साया, जिसे वह कभी ना देखना चाहे, आज उसकी आंखों के सामने था। उस चुड़ैल ने अपने बड़े हुए नाखूनों वाले हाथों से पीकू के गले को पकड़ा और जोर से दबोचा। पीकू की चीख निकल गई। भैया, क्या हुआ पीकू? क्यों चिल्ला रही है? उसकी माँ ने आधी रात को पीकू को झटके से जगाते हुए कहा। पीकू रो पड़ी। एक बेहद ही डरावने सपने की वजह से उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डर के मारे अपनी माँ को कस कर गले लगा लिया। कुछ ही पल में उसका भाई और उसकी भाभी भी उसकी आंखों के सामने थे। उसके भाई ने लाइट जलाई तो पीकू की आंखों में एक अजीब सा डर और सिकन थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी भाभी को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पीकू के साथ अक्सर ऐसा होता था। उसे हमेशा हर अमावस्या को ऐसे ही डरावने सपने आते थे और वह सिहर जाती थी।
आज भी उसे पीपल वाली चुड़ैल का सपना आया था। अपने भाई और भाभी को अपनी आंखों के सामने देखकर अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया। वह कुछ ही देर में सम्मान्य हो गई, लेकिन जो डर उसके दिमाग में था उसका क्या? उसके भाई ने उसे पानी का एक गिलास थमाते हुए कहा, क्या हुआ आज? फिर वही डरावना सपना देखा क्या? हाँ भैया, पीकू ने अपनी गर्दन नीचे करके कहा। वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई उस पर गुस्सा हो। उसके भाई ने उससे कहा, अगर पीकू माँ के पास नींद नहीं आ रही है तो हमारे कमरे में सो जा। नहीं भैया, मैं यहीं सो जाऊंगी, वैसे भी माँ मेरे पास सोई हुई हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। पीकू के बोलने के लहजे से लग रहा था कि वह अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पीकू, तुम खामखा अपने आप को बुरा बना रही हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम उस पीपल की चुड़ैल के बारे में मत सोचा करो, लेकिन तुम्हारा भी ना, तुम हमेशा उसके बारे में ही सोचती हो। वैसे भी यह चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, सब डराने का जरिया है। चल अब सो जा। उसका भाई इतना कहकर अपनी पत्नी के साथ चला गया। उसकी माँ ने अपनी चारपाई उसके पास सटा ली। उसने पीकू को गले लगाकर अपने पास सुला लिया, लेकिन पीकू को अब भी उस सपने की चुड़ैल की याद आ रही थी। वही उल्टे पांव, लंबे दांत और कुचला हुआ सा चेहरा, जिस पर जगह जगह खून के धब्बे लगे हुए थे। उसे बार बार उस चुड़ैल की बातें याद आ रही थी। वह उन सपनों के राज को जानना चाहती थी कि, लेकिन जवाब ढूंढना इतना आसान नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बीच में ही एक कोड दिखाया गया होगा, तो अगर वो आप कोड मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सबसे पहले जो भी भेजेगा उसको 10 रुपीज का पेटीएम कैश मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अगले दिन पीकू देरी से उठी। उसने स्नान किया और स्कूल चली गई। विज्ञान वर्ग की 12वीं की विद्यार्थी होने की वजह से उसे पढ़ाई में भी ध्यान देना था, लेकिन उसका मन बस उसी सपने के इर्द गिर्द घूम रहा था। एक ऐसा सपना जो किसी को भी विचलित कर दे, अक्सर पीकू के साथ यह होता रहता था। उसे आज भी यह बात बखूबी याद है, जब वह छोटी थी और घर से बाहर शाम को निकलती थी तो उसकी माँ उसे रोकने के लिए उसे मनगढ़ंत भूतिया कहानियाँ सुनाती थी। तब उसे ऐसी कहानियाँ सुनकर उसकी माँ उसे बाहर जाने से रोक लेती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसका डर भी बढ़ता गया। वह पढ़ाई में भी होशियार थी और अंधविश्वासी नहीं थी। जब उसका भाई उसे भूत प्रेतों का तर्क देता तो वह उन्हें ध्यान से सुनती और अपने मन के डर को दूर करना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, जो डर आपके दिल में घर कर जाए उससे आसानी से पीछा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, कई बार नामुमकिन भी हो जाता है। जब भी उसका डर का साया दूर होने लगता, गांव में कुछ ऐसी घटना घटती जिससे वह पुनः डर के आगोश में चली जाती। सभी गांव वाले भी अक्सर अमावस्या के आते ही डर के साए में चले जाते हैं, क्योंकि हर अमावस्या को गांव में कुछ न कुछ ऐसा घटित होता जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था। कई बार किसी घर में किसी औरत के मंगलसूत्र व सोने के आभूषणों को कोई ले जाता तो कई बार कुछ और। जब सुबह होती तो गांव में अफरा तफरी का माहौल बना रहता था। जिस घर में भी ऐसी घटना घटती उस घर की औरतें अक्सर कहती फिरती कि उन्होंने एक ऐसे साए को देखा जो चुड़ैल के अतिरिक्त कोई और हो ही नहीं सकता। इस वजह से पीकू का डर भी कम नहीं हुआ। वह 18 वर्ष की हो गई थी, लेकिन फिर भी उसका डर बच्चों के जैसा था। धीरे धीरे उसे गांव की अनपढ़ और अंधविश्वासी औरतों पर ज्यादा यकीन होने लगा और उसके भाई के तर्कों पर कम। अब तो ऐसी हालत हो गई थी कि पीकू चाहकर भी उन डरावने सपनों से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। एक रोज जब वह हमेशा की तरह सो रही थी तो
पहले की भांति ही उसे डरावना सपना आया। वह डर के मारे चीख पड़ी। उसका भाई दौड़ता हुआ उसके कमरे में गया तो पीकू अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी। उसके भाई ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ी करते हुए कहा, पीकू क्या है यह सब? तुझे कितनी बार कहा मैंने कि कोई भूत या चुड़ैल नहीं होती, अब तुझे कितनी बार समझाऊं यह बात? जब एक बार बोल दिया तो समझ में नहीं आता क्या? भैया मैं अब तू बच्ची नहीं रही जो हमेशा बच्चों की तरह डरती रहती है। अब बेटा इसे डर लगता है तो लगता है, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? पीकू की माँ ने उसके भाई को समझाते हुए कहा। लेकिन आज पीकू के भाई का पारा सातवें आसमान पर था। वह क्रोधित होकर बोला, माँ तू तो रहने दे, आज यह डरती है तो तुम्हारी उन कहानियों की वजह से। पीकू की माँ चुप हो जाती है। पीकू सुबक सुबक कर रोने लग जाती है, लेकिन उसके भाई का गुस्सा शांत नहीं होता है। वह पीकू को गुस्से में बोलता, आज तो मैं तुम्हें उस पीपल वाली चुड़ैल से मिलाकर ही रहूंगा। पर भैया, क्या भैया? भैया चल मैं भी देखता हूँ वो कितनी भयानक है। इतना कहकर वह पीकू का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। पीकू की भाभी उसके भाई को रोकते हुए बोलती है, आप क्या बोल रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। इसके रोज रोज के सपनों से आज देखना चाहता हूँ कि इसके सपनों वाली और गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियों वाली चुड़ैल में कितना दम है। चल तू मेरे साथ चल। पीकू का भाई अपनी पत्नी की बात को टाल देता है। पीकू डर के मारे हाथ छोड़कर अपने भाई के पाँव पकड़ती है। वह उसे गिड़गिड़ाकर कहती है, भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आज के बाद मैं कभी नहीं चीखूंगी। जब भी रात को सोऊंगी तो मैं अपने मुंह में रुमाल ठूस लूंगी ताकि आपकी नींद खराब ना हो। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, तू बस चल अभी मेरे साथ उस पीपल के पेड़ के पास। उसके भाई ने गुस्से में टॉर्च निकाली। उसकी माँ असहाय आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। पीकू की भाभी भी उसके भाई को रोकने में असमर्थ थी। उसके भाई ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर ले आया। पीकू डर के मारे थर थर कांप रही थी। उसके भाई ने शांति पूर्वक उससे पूछा, अब बताओ मुझे तुम्हें सबसे ज्यादा डरावनी जगह इस गाँव में कौन सी लगती है? वो गांव के बाहर स्थित पीपल का पेड़, जिसके बारे में सभी गांव वाले कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रहती है। पीकू ने हिम्मत जुटाते हुए अपने भाई से कहा, हालांकि उसे डर लग रहा था। उसके भाई ने कहा, तो ठीक है आज हम उसी पीपल के पेड़ के पास जाएंगे, देखते हैं कि वो चुड़ैल कितनी भयानक है। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा, अगर वहां कुछ नहीं हुआ और हम सही सलामत वापस आ गए तो फिर कभी नहीं डरोगी। पीकू को अपने भाई की बातों पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन जो डर अंदर तक बैठा हो वो भला जल्दी से निकलता नहीं। उसने हाँ की स्वीकृति में अपनी गर्दन हिला दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा और उसके पीछे पीछे चल दी। शीघ्र ही वे दोनों मुख्य गाँव से बाहर आ गए। गांव की गलियों से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। अंधेरा घना था। टॉर्च की लाइट पड़ने से एक उल्लू उड़कर उनके सामने से अचानक गया तो पीकू डर के मारे अपने भाई के गले लग जाती है। वो उसे संभालता है। आधी रात का भयानक व डरावना अंधेरा छाया हुआ था। उस कच्चे रास्ते पर केवल उनके कदमों की आवाज और झिंगरों के बोलने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वे दोनों कुछ ही देर में उस विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंच चुके थे, जिसका डर पीकू के दिल में घर कर चुका था। आज पीकू के सभी सवालों का जवाब वो दरखत ही दे सकता है, लेकिन पीकू का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने भाई से वापस चलने का निवेदन करना चाहा, लेकिन अपने भाई के गुस्से भरे रवैये की वजह से वो भी संभव नहीं था। पीपल के पत्तों के सरसराहट की आवाज आ रही थी। उसके भाई ने पीपल के पेड़ पर कुछ अजीब सी हरकत देखी। आज का दूसरा कोड है जय महाकाल। पीपल के घने पत्तों में से कुछ इंसानी शकल सा साया नजर आ रहा था।
पीकू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने भाई को कस कर पकड़ लिया। उसके भाई ने टॉर्च की जब रोशनी दी तो वो साया एक डाल से दूसरे डाल की तरफ कूदा। चमकीली आंखें, लंबे दांत, ना जाने क्या था। जब उसके भाई ने गौर से देखा तो वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक बंदर था। उसके भाई ने तो कुछ और ही समझ लिया था। उसने पीकू को हंसते हुए कहा, लो पीकू, देख लो, वो रही तुम्हारे डराने वाली चुड़ैल। नहीं भैया, मैं नहीं देखूंगी। अरे बाबू, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम देखो तो सही। ठीक है। पीकू ने जब ऊपर की तरफ देखा तो उसे पता चला कि वो तो बंदर था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया ये तो बंदर है। हाँ सच कहा, क्या यही थी तुम्हारी वो चुड़ैल या कोई और भी है? पर भैया, गांव वाले तो कुछ और ही बोलते हैं। अरे तुम गांव वालों की मानोगे या फिर मेरी? चल, अगर कोई चुड़ैल है भी तो अब तक आई क्यों नहीं? खैर, मैं उसे आवाज देता हूँ। कहते हैं अगर किसी रूह को आवाज दो तो वो आ जाती है। सुना था ना तुमने? हाँ भैया सुना था। तो कोई बात नहीं, अभी आवाज देते हैं उसे। रहने दो भैया, हम वापस चलते हैं घर। अरे ऐसे कैसे, आज तो मैं उस चुड़ैल से मिलकर ही रहूंगा। नहीं भैया, मुझे डर लग रहा है, प्लीज वापस चलो। अरे ऐसे कैसे, मैं भी तो देखूं वो चुड़ैल तेरी भाभी से भी ज्यादा खतरनाक है या नहीं। चलो अब पुकारता हूँ उसे। ए चुड़ैल रानी, माता, बहन, जो भी हो, मैं और पीकू तुम्हें देखना चाहते हैं। कृपया करके अपने दर्शन दो, पीकू को तुम्हें देखना है। नहीं भैया, मुझे डर लग रहा है, वापस चलो भैया। अरे नहीं ऐसे कैसे, नहीं भैया मुझे डर लग रहा है, आप प्लीज वापस चलो। पीकू के भाई ने ना जाने कितनी आवाज दी लेकिन वहां चुड़ैल तो नहीं आई। पर जो जानवर पीपल के पेड़ पर बैठे थे वो जरूर उन दोनों से खफा हो गए। उसके भाई ने पीकू को उस पेड़ के पास पड़े पत्थर पर बैठने को कहा। चारों ओर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था, एक ऐसा सन्नाटा जिससे हर कोई भी डर जाए। लेकिन आज पीकू का डर अब धीरे धीरे दूर हो रहा था। उसके भाई ने पीकू से पूछा, अच्छा बताओ पीकू, तुम्हें डर रात को ही क्यों लगता है? क्योंकि भैया, माँ ने मुझे बोला था कि भूत प्रेत या चुड़ैल रात को ही आते हैं। ओह, तो वो दिन में क्यों नहीं आते, बताओ जरा? दिन में तो इस पीपल के पेड़ के नीचे बहुत से बच्चे खेलते हैं, गांव वाले ताश भी खेलते हैं। इसके अलावा राहगीर आकर दोपहर को इस पेड़ के नीचे आराम भी करते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं भैया? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पीकू, जो चीज रात में होती है वही तो दिन में भी होती है। उदाहरण के लिए, हम दिन में भी हमारे घर में रहते हैं और रात में भी। तो अगर चुड़ैल वुड़ैल कुछ होता है तो वो दिन में भी होती होगी। पर माँ ने बोला कि काली शक्तियां रात को ही आती हैं। ओह अच्छा, तो माँ के अनुसार ये चुड़ैल यहाँ रात को ओवरटाइम करने आती है। पीकू के भाई के इतना कहते ही पीकू ने ठहाके के साथ हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इस बात की परिचय थी कि अब उसे अपने भाई के रहते किसी भी बात का डर नहीं था। पीकू अब धीमे हंसो, वरना गांव वालों को पक्का यकीन हो जाएगा कि यहाँ केवल अकेली चुड़ैल ही नहीं रहती बल्कि भूत भी रहता है। खैर अब तेरी वो चुड़ैल तो आने से रही, क्या घर चलें अब? या अब भी कोई सवाल है दिल में? मैंने तुम्हें कहा ना, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और तेरी ये चुड़ैल तो बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ भैया आपने सच कहा, तो अब यकीन हो गया तुम्हें? हाँ हो गया। ठीक है तो अब घर चलते हैं। पीकू का भाई पीकू को लेकर वापस गांव की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसने पीकू को बहुत से ऐसे तर्क दिए जिससे पीकू को कुछ हद तक उसके भाई की बातों पर यकीन हो गया। अब उसे अपने भाई के साथ किसी भी तरह का कोई डर नहीं था, लेकिन जब भी वह अकेली होती तो उसे वह डर वापस घेर लेता। लेकिन अब उसके भाई के तर्क
उसे डर का सामना करना सिखा रहा था। एक रोज शनिवार की शाम थी, उस दिन अमावस्या भी थी। पीकू के भाई ने पीकू को कहा कि वो और उसकी माँ किसी काम हेतु उसके ननिहाल जा रहे हैं और तुम अपनी भाभी के साथ उसके कमरे में ही सो जाना। पीकू के लिए यह फैसला बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि इससे पहले वह पहले कभी भी अपनी माँ या भाई के बगैर घर में नहीं रही थी। इसके अतिरिक्त उस रोज अमावस्या भी थी। अब पीकू को अपने डर का अकेले ही सामना करना था। उसकी भाभी भी डरपोक थी, लेकिन पीकू की तरह नहीं थी। उसे किसी भी तरह के सपने नहीं आते थे। अब पीकू को अपने डर को जीतना था, लेकिन आज उसके साथ डर रूपी रावण का सामना करने के लिए उसका भाई उसके साथ नहीं था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है? अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आगे कहानी में क्या होने वाला है। तो चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। पीकू ने शाम होते ही अपना बिस्तर अपने भाभी के कमरे में लगा लिया। उसकी भाभी और उसके बीच में बिल्कुल भी ज्यादा बातचीत नहीं हुई, क्योंकि उसकी भाभी शुरू से उसे इतनी पसंद नहीं करती थी। इसके अनेक कारण थे। रात को पीकू का चीख मारकर खड़े हो जाना, जिससे उसकी नींद खराब हो जाती थी। वह मन ही मन पीकू से नफरत करती थी, लेकिन अपने पति के डर के कारण उसे कभी भी पीकू को कुछ भी बुरा भला नहीं बोला। लेकिन आज उसने उसे रूखेपन से एक अलग चारपाई पर सोने को बोल दिया। पीकू को भी कभी भी इतनी दूर अकेले सोने की आदत नहीं थी, लेकिन कैसे भी करके उसे आज की रात निकालनी थी। इसके अतिरिक्त उसकी भाभी ने कमरे की लाइट को भी ऑफ कर दिया। रात के जानवरों ने आवाजें करनी शुरू कर दी। पीकू की भाभी तो आराम से सो गई, लेकिन पीकू को नींद नहीं आ रही थी। उसे वही पुरानी भूतिया कहानियां याद आने लगी, जो उसकी माँ अक्सर उसे सुनाती थी। इसके अलावा उसे वह कहानी भी याद आ गई, जो उसके दोस्त श्याम ने उसे कुछ दिन पहले ही सुनाई थी। उसे वो कहानी बखूबी याद आ गई कि किस तरह से श्याम ने उसे बताया था कि उसके दूर के रिश्तेदार मामा के बेटे की जब सुहागरात थी, तो जैसे ही उसने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया तो अचानक उसके अंदर से सुंदर चेहरे की जगह उसकी बीवी की शकल कुछ और ही हो गई थी। उसने अपने लंबे नाखूनों को उसके सीने में घुसा दिया और उसका खून पी गई थी, और कुछ ही देर बाद वह स्वयं भी मर गई थी। चारों ओर खून ही खून था। उसकी बीवी की शकल मरने के बाद काली पड़ गई थी। इसके अलावा पीकू को तो वो सब भी याद आने लगा था कि किस तरह से उसके पड़ोस के रामू काका ने उसे बताया था कि उसके बड़े भाई जब शाम को नदी में नहाकर वापस घर आ रहे थे तो किसी पिशाच ने उसे चांटा मार दिया था और घर आकर उसे खून की उल्टी हुई और वह मर गया। यह सभी दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे, लेकिन अचानक ही उसे अपने भैया के तर्क याद आने लगे। उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ और फिर ही उसे नींद आ गई। आधी रात को अचानक किसी चीख की वजह से उसकी आंख खुली। उसने चौंक कर देखा तो उसकी भाभी डर के मारे उसकी चारपाई के पास आ गई थी। उसकी भाभी ने कांपते हुए कहा, पीकू, किसी ने मुझे छुआ। पीकू ने डरते हुए कहा, क्या? हाँ पीकू, मुझे किसी ने छुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने नाखून से मुझे चुभोया हो। अपनी भाभी की बातों से पीकू सिहर सी गई। जब उसने लाइट जलाने के लिए बटन को दबाया तो बल्ब नहीं जला। उन दोनों ने एक मोमबत्ती को जलाया और एक दूसरे को डर के मारे पकड़ते हुए घर के बाहर की तरफ आने लगी। अचानक पीकू और उसकी भाभी की नजर किसी काले साये पर पड़ी। वे डरते हुए पीछे हटने लगी। मोमबत्ती की रोशनी से ज्यादा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो कोई अजीब सा साया था जो उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो साया उनकी तरफ आगे
बढ़ रहा था। पीकू और उसकी भाभी का डर के मारे बुरा हाल था। बिखरे बाल, लंबे नाखून, खून से सना हुआ चेहरा, उल्टे पाव, ठीक हूबहू वही चेहरा जो उसने उस अमावस्या की रात को अपने सपने में देखा था। पीकू की भाभी डर के मारे उसे लिपट गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे उसके भाई की वही बातें याद आने लगी जो उसने उस रात पीपल के पेड़ के नीचे बोली थी। पीकू ने हिम्मत जुटाई और उस मोमबत्ती को फेंक कर उस साये के ऊपर कूद गई। उसने ऐसा धक्का मारा कि वो भयानक साया नीचे गिर गया। एक चोर के धक्के की वजह से उस साये के मुंह से चीख निकल गई। पीकू ने क्रोधित होकर कहा, कमीनी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू चाहे कितनी भी बड़ी चुड़ैल होगी, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने एक के बाद एक उस पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। सामने से बस चीखें निकली जा रही थी। वो कौन था इसका पता नहीं चला, लेकिन उसके हर एक झपट्टे के साथ उसका एक एक सामान उतरता जा रहा था। उसके नाखून कहीं, मुकोटा कहीं, उसके उल्टे पांव कहीं, जो कुछ भी उसने पहन रखा था वो सब का सब उससे अलग हो गया। उसकी भाभी दौड़कर टॉर्च लेकर आई। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर उसे देखा तो पता चला वह तो कोई 40 वर्ष का आदमी था। पीकू ने गुस्से में एक लाठी उठाई और उसकी धुनाई करनी शुरू कर दी। कुछ हाथ हल्के उसकी भाभी ने भी कर लिए। दोनों साथ में खूब रो भी रही थी। आखिर उन दोनों ने उस डर का सामना जो किया था। लगातार कई देर की धुनाई से उसकी चीखों की आवाज पड़ोसियों तक सुनाई दे रही थी। सभी टॉर्च लेकर पीकू के घर की तरफ दौड़ कर आए। उन्होंने जब आकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक 40 वर्षीय व्यक्ति था जो अक्सर शराब पीता रहता था। जब अगले दिन पंचायत बुलाई गई तो पता चला जो पीपल की चुड़ैल थी वो कोई और नहीं बल्कि वो व्यक्ति ही था। उसने ही गांव वालों में यह डर बैठा दिया था। इस बहाने वह मुखौटा पहनता और गांव के भोले भोले लोगों के घर पर चोरी कर लेता। वो अक्सर अमावस्या को इसलिए चुनता क्योंकि उस दिन अंधेरा खूब होता था। वह जब भी किसी के घर में घुसता तो उससे पहले लाइट काट देता, फिर गांव की औरतों को डराकर उनके आभूषणों को लूट कर ले जाता। लेकिन कल रात पीकू की बहादुरी की वजह से वो पकड़ा गया। उसका सारा का सारा सच बाहर आ गया। गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अलावा सरपंच साहब ने पीकू को पीकू की बहादुरी के हेतु इनाम देने का भी ऐलान किया। शाम तक जब पीकू का भाई वापस आया तो उसने पीकू की बहादुरी का किस्सा सुना। उसे अपनी बहन की बहादुरी पर गर्व हुआ। आखिर हो भी क्यों ना, उसकी बहन ने अपने डर रूपी चुड़ैल को मार गिराया था। इस कहानी के माध्यम से मेरा यही संदेश है कि कभी भी किसी भी भूत प्रेत या पिशाचों की कहानियों पर यकीन मत करो। भूत प्रेत या चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, यह सब हमारे मन की नकारात्माएं ही होती हैं। अन्था इन पर जीत पाओ पीकू की तरह, और किसी भी भूतिया कहानियों पर यकीन मत करो। और अगर आपको ऐसी बातों पर यकीन है तो कृपया करके मुझे उस जगह के बारे में बताएं, मैं वहां अकेला जाना चाहूँगा आपको ये बताने के लिए कि यह सब बकवास है। इसके अलावा कभी भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी बच्चे को ऐसी कहानियां सुनाकर उसमें डर रूपी चुड़ैल का वास मत कीजिए, क्योंकि हर घर में पीकू के भाई जैसा समझदार इंसान नहीं होता जो अपनी बहन का डर दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक तर्क दे सके। अगर ये डर का साया ज़्यादा हो जाए तो एक अन्य रोग भी हो सकता है जिसे हम फोबिया कहते हैं। फोबिया डॉक्टरी भाषा में एक ऐसा रोग है जिसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल होता है। आज का तीसरा कोड है जय श्री राम, क्योंकि यह रोग मरीज के दिलो दिमाग में बैठ जाता है। आशा है आप अपने बच्चों को डर का सामना करना सिखाएंगे, ना कि उनमें पीकू की माँ की तरह डर बैठाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।